ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इनॉग्रेट की थी स्कीम, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, वो है कि हर आदमी का हिंदुस्तान में अपना हेल्थ अकाउंट बनेगा, जिसमें जैसे आप देखते हो कि पहले हम सारी फाइलें लेके चलते थे, अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करके चलते थे, कुछ भूल जाता था, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता था। आपने जब भी दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, किसी और डॉक्टर के पास जाना है, तो आपको वो सारा बैग कैरी करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, इस मिशन के तहत एक हेल्थ आईडी बनेगी, उसमें आपका सारा प्रिस्क्रिप्शन, आपकी डायग्नोसिस, आपकी हिस्ट्री, आपका जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो सारा आ जाएगा। और सिंगल आप एक OTP शेयर करने से आप इसको किसी भी डॉक्टर के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर कर सकते हो और कंसल्टेशन ले सकते हो। तो ये इसका एक मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा भी इसके दूसरे कंपोनेंट हैं कि इसमें जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो भी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप कहीं से भी बैठोगे हिंदुस्तान के किसी कारण से भी, देखोगे कि मुझे उस डॉक्टर को दिखाना है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ पर पोस्टेड है, क्या नाम है, कितनी डिग्रियाँ हैं, वो आप देख सकते हो। वो जितने भी प्रोफेसर हैं उनका अकाउंट भी प्रोफेशनल्स का आ जाएगा। इसी तरह से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सारे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर के, प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों, सारे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आप सिंगल क्लिक से ले सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसमें लोगों में अवेयरनेस चाहिए, जिसमें आपकी हेल्प ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये अकाउंट जो है आपकी कंसेंट के बगैर कोई शेयर नहीं कर सकता है। आप अपनी कंसेंट दोगे, आप अपना OTP दोगे, फिर जाके आप इसको शेयर कर सकते हो। और अब जैसे ये नई स्कीम है, इसमें हमारा अस्पताल जो है अभी पीछे 20वें नंबर पे ऑल इंडिया में आया है, J&K में हर दूसरे तीसरे दिन में हम पहले दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो ये सब इसलिए, ये सक्सेस हमें इसलिए मिल रही है कि आप लोगों की सपोर्ट है, आप पब्लिक को अवेयर कर रहे हो, पब्लिक हमारे साथ सपोर्ट कर रही है, पब्लिक कोऑपरेट कर रही है, और मेरा स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। जैसे अभी भी आपने देखा कि सारे का सारा स्टाफ धूम में खुद खड़ा है। और इसमें क्योंकि इसमें दिक्कतें आती हैं लोगों को, नई स्कीम में कोई भी करोगे उसमें दिक्कत आती है, उसके लिए अगर किसी का मोबाइल नहीं है तो हमारा स्टाफ अपने मोबाइल पर करके दे देता है, उसको जनरेट करके दे देता है। लेकिन अब ऐसे ही कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए हमने अलग काउंटर रखा है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो हमारा स्टाफ उसको निकाल के साइड में पर्ची प्रायोरिटी पे निकाल के दे देता है। इसके साथ ही हमने इसका एक ग्रीवेंसी रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया है। जैसे आप देखोगे कि हमने वहाँ पर 3 नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं कि अगर किसी को दिक्कत आ रही है, किसी किस्म की भी दिक्कत आ रही है, वहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का नंबर है, आप मोबाइल पे उसको रिंग करो, वो इमीडिएटली आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसी का ये ऑफिस है जो चला रहा है। इसके साथ ही हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर का नंबर भी वहाँ मेंशन है। हमारा कंट्रोल रूम भी ग्राउंड फ्लोर पे है जो 24 आवर फंक्शनल होता है, उसको भी आप कॉल कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर ग्रीवेंसी सेटल नहीं होता है तो मेरा डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट यहाँ है, मैटर मैडम यहाँ होती है, मैं खुद एज ए मेडिकल स्टूडेंट सबसे पहले मॉर्निंग में यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए ये ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो और ये लाइन सिस्टम ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप देखोगे अभी तक हमने 900 लोगों को रजिस्टर कर दिया है, तो आप देखो 900 के मुकाबले में कितनी छोटी सी लाइन है अभी। तो इसलिए आपका संजोग चाहिए और लोगों को ये मैसेज होना चाहिए कि
कि ये आपका अस्पताल है, जितनी भी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं आओ इसका फ़ायदा उठाओ, गवर्नमेंट ने इतनी स्कीमें यहाँ पर रखी और सारी फ्री ऑफ कास्ट है। तो हम लोग यहाँ सेवा करने के लिए हाजिर हैं, एम्प्लाइज़ मेरे जो हैं सब फ्रंट फुट पे रहते हैं, हमारे साथ कॉपरेट करो, आपको इस अपना अस्पताल समझो, साफ़ सुथरा रखो और सारी स्कीमों का फ़ायदा उठाओ। अगर कोई दिक्कत है उसके लिए भी हम हाज़िर हैं, उसके लिए भी हमने अपने ग्रीवेंसेज के नंबर डिस्प्ले किए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारी आज यहाँ पे ड्यूटी लगी है पीडियाट्रिक ओपीडी में, तो यहाँ पे पहले क्या था कि मैनुअली यहाँ पे लाइंस पे लग के पर्ची कटवानी पड़ती थी लोगों को, लेकिन अब नया सिस्टम आया हुआ है कि आभा ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे कई सारे लोग आ रहे हैं, उनको हम हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर से आए हैं जैसे कि पुंछ रियासी से, और उनके पास फ़ोन्स भी अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको अपने फ़ोन से ही अपने ही नंबर पे ओटीपी से ओटीपी लेके रजिस्ट्रेशन करवा के उनको यहाँ पे ये टोकन नंबर दिलवाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। हम उधर आर एस पुरावली साइड से आए हैं, एक्चुअली हम इधर शालामार में बच्चों को दिखाने के लिए आए थे, हमारे पास फ़ोन नहीं थे, हमें इनकी मदद से यहाँ पे ये सिस्टर डॉक्टर हैं, हम उनकी मदद से इनकी हेल्प से हमने ऑनलाइन पर्ची का जो भी सिस्टम आवा कार्ड का बोल रहे थे ये, इन्होंने फ़ोन पे हमारी हेल्प की हुई है। कितना टाइम बच रहा है, मैनुअल होता लाइन में लगना पड़ता, लाइन पे अभी भी लाइन पे लग रहे थे, पर ये खुद आ रहे हैं हमारे पास, हमें पूछ रहे हैं कि क्या अभी आपका वो नहीं हुआ है, तो इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इन्हें हमारी बहुत हेल्प की है।